जनपद संभल के चंदौसी में भाजपा और बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए लोगों को जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई। आने वाले वर्ष में यूपी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लोगों का दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी के तहत जनपद संभल के चंदौसी में आज भाजपा और बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए इन दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को विधिवत रूप से सपा में शामिल होने के लिए जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी की मौजूदगी में सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के बहजोई रोड पर स्थित कार्यालय में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने बताया कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए आज भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, इसमें क्या कहेंगे आप? आज हमारे चंदौसी विधानसभा के अंदर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सभी लोगों का समाजवादी पार्टी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन सभी लोगों को यकीन दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमारे उनके हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होंगे। आप लोग देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है कि सारे दल के नेता, बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आज जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ऐसे जनविरोधी काम कर रही है। चाहे हमारे किसानों को 3 बिल हों, जो कि कृषि बिल जो है हमारे जो इन्होंने पास किए हैं किसान विरोधी बिल, उनको लेकर के हमारा किसान भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और हमेशा जब तक ये 3 कानून वापस नहीं हो जाते, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा और हर सुख दुख में किसानों के साथ रहेगा। और इसी चीज़ को देख करके आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब 2022 का चुनाव होगा तो इन अन्य दलों का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता है वो सफाया कर देगी। आपके कार्यालय पर काफी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है समाजवादी पार्टी की। आज पूरे प्रदेश में जनविरोधी सरकार है, पूरे प्रदेश में भगदड़ मची हुई है, प्रदेश की सरकार विश्वास खो चुकी है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, एक एक बार, एक एक महीने में 3-3 बार गैस पर वृद्धि होना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपना जनाधार खो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है। और उसी उसमें परिप्रेक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी में काफ़ी साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके शामिल हुए। आज क्योंकि पूरी जनविरोधी सरकार, सबको एहसास हो गया कि ये सरकार किसी की नहीं है, केवल प्रदेश के और देश के उद्योगपतियों की सरकार है। जनमानस त्राहि त्राहि कर रहा है, आज बिल्कुल किसान की सीमाओं पर बैठा हुआ है, हमारा जवान परेशान है, नौजवान को रोजगार नहीं है, छात्र अपनी बातों को लेकर के लगातार लाठी खा रहा है। ऐसे में जब विश्वास खो चुकी होती है सरकार तो उस सत्ता और पार्टी में भगदड़ मची होती है। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ में राजधानी में लगातार पार्टियों के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद सबको पार्टी ज्वाइन कराने काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी संख्या में 60 लोगों को भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और बसपा छोड़ करके सदस्यता दिलाई है और उनको ये यकीन दिलाया है कि समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी है। हर जुल्म जाति के खिलाफ लगातार सड़क करने का काम करेंगे और जनहित में लगातार काम करेंगे। सरकार यदि आई गरीबों की, पिछड़ों की, सबको रोजी रोटी और उनको बच्चों को शिक्षा दिलाने काम करेंगे, दवाई मुफ्त करेंगे, जो हमेशा भारत समाजवादी पार्टी का एजेंडा रहा है।